हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो क्रेश कोर्स स्पेशल 2022 का जो टारगेट है उस बेस पे है। अभी तक हम लोगों ने दो वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आप वीडियो देख लीजिए, जिसमें कि टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। और आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितना एनसीईआरटी से रिलेटेड है उसको आपको कवरेज कर दिया जाए। और 100% रखिए कि जितना एनसीईआरटी है और प्लस क्वेश्चन बैंक जो हम लोग का टारगेट है वो कंप्लीट करने का, जो 70 डेज का टारगेट है वो आपका कंप्लीट कर देंगे। और अभी आपके दिमाग में चलता होगा कि सर आप तो वीडियो अपलोड जो करते हैं वीक में एक दिन या दो दिन करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो 70 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम के मिनिमम जो है 15 से 20 दिन बिफोर कर दी जाएगी, जिसमें कि हम लोग का जो मेन टारगेट है क्वेश्चंस बैंक विथ जितना भी आया हुआ है, मतलब कि एनसीईआरटी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आने की संभावना है उस चीज को हम कंप्लीट कर देंगे। आप बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें। हो सकता है कि अभी चूंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल्ड होने के कारण वीडियो कम अपलोड हो रहा है और चूंकि फेस्टिवल आ रही है तो उसमें एक दिन में होगा तो 2 से 3 वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, मेन फोकस करते हैं कि मैट्रिसेस। तो इसमें जो है इन ए मैट्रिक्स एनसीईआरटी 3.1 को कवरेज कर रहे हैं, जिसमें कि लिखा हुआ है कि इन ए एक मैट्रिक्स दे दिया है। हम पिछली क्लास में बताए थे कि ये चीज जो होता है ये होता है ऑर्डर, सॉरी ये होता है रो और ये होता है कॉलम, हम लोग पढ़े थे। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछता है कि फाइंड द ऑर्डर, ये बताए भी थे हम लोग। चलिए एक बार ट्राई करते हैं, इसको फिर से अच्छी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ऑर्डर कितना है, 1 2 3, 3 रो है और 1 2 3 4 ये क्या है, कॉलम है। तो पहले रो को लिखा जाता है फिर बाद में हम लोग क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। तो चलिए इसमें पूछता है कि ऑर्डर कितना है, तो हम लोग लिखेंगे 3 गुना 4, अर्थात 3 रो और 4 कॉलम है। इसके बाद पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, पिछले क्लास में भी ये चीज बताए थे। अगर पूछ दे क्या चीज कि नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, 12। नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितनी है, 12 है। और इसके बाद जो पूछा जाता है थर्ड केसेस में, बोल रहा है क्या कि ए, आपका पूछ रहा है क्या A13, देखिए A13 पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। हम तो बताए थे कि ये होता है A11, A12, A13, तो A13 कितना हो जाएगा, 19। फिर पूछ दिया आपसे कितना, तो A21, देखिए A11, A12, A13, A14, फिर बाद में सेकेंड रो जब शुरू करेंगे तो A21 से शुरू होगा, तो A21 कितना हो जाएगा, 35 होगा। इस तरह से अगर पूछा जाए आपसे क्या कि A33, ध्यान से देखिएगा A33, तो देखिए A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 कितना है, तो -5 है। यहां तक समझ में आ गया। और लास्ट में बोल रहा है क्या कि A23 फाइंड कीजिए, तो हम थोड़ा सा डिसऑर्डर में लिखे हैं, तो A21, A22, A23, तो कितना हो गया, 5/2। तो हम लोग के विचार से ऑर्डर आपको समझ में आ गए, इसका कितना किस तरह से लिखते हैं एलिमेंट ये भी समझ में आ ही गई होगी। चलिए दो नंबर सवाल क्या बोलता है कि इफ अगर 24 एलिमेंट है, ध्यान से देखिएगा 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट, और सेकेंड केसेस में आपको दिया कितना कि और 13 एलिमेंट है, 24 के बाद एलिमेंट की संख्या कितनी है, तो 13 एलिमेंट है। पूछ रहा है इसका क्या ऑर्डर हमको बताना है, तो सिंपल है ऑर्डर, देखिए 24 एलिमेंट है, पिछले बार भी बताए थे कि रो और कॉलम का होना जरूरी है, 2.5 और 1.25 नहीं करना है। तो 24 एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, 1 गुना 24, फिर हो जाएगा कितना, 24:1, 2 into 24, फिर कितना हुआ, 2 into 24 नहीं होगा, 24 ही चाहिए हमको, तो 2 into कितना होगा, 12, 12:2 कितना होगा, 2। इसके बाद हम लोग चलेंगे 3:8, यहाँ पर होगा 8:3, और बचा क्या 4:6, और 6:2 कितना हुआ, 4। तो हम लोग का पूछ रहे कि ऑर्डर कितनी होगी, तो देखिए ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑर्डर की संख्या कितनी हो जाएगी, 8, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। लास्ट में मेरा क्या चल रहा है, 13 एलिमेंट, ध्यान में रखिएगा जितना भी प्राइम नंबर हो, जितना भी प्राइम नंबर हो उस सभी का ऑर्डर ऑलवेज 2 होता है। 13 को क्या लिखेंगे, 1 into 13, और दूसरा क्या लिखेंगे, 13:1, तो ऑर्डर की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। सभी प्राइम नंबर का ऑर्डर कितना होता है, 2। चलिए ये समझ में आ गए। अब देखिए बोलता है कि 18 एलिमेंट, सिंपल है, इसके बाद वाला जो प्रॉब्लम है उसमें क्या दिया है,
18 एलिमेंट, 18 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर अधिक होगा, तो 1 इंटू कितना होगा 18, 18 इस टू क्या होगा 1, 2 इस टू 9, 9 इस टू 2, 3 इस टू 6 और 6 इस टू 3, तो ऑर्डर की संख्या कितनी हो गए, तो ऑर्डर की संख्या आपकी होगी कितना, तो 6 हो गए। तो चलिए इस बेस पे जो भी सवाल होगा आपसे बन जाएगा, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मेन मेन टॉपिक करते हैं, हर एक सवाल का सॉल्यूशन नहीं देते हैं, बल्कि जो टाइप बेस एक जैसा है उसको हम छोड़ रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो टारगेट है, आराम से रिलैक्स रहें, आपका जो है 15 से 20 दिन का भी, चूंकि अब हम लोग लंबा लंबा वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा कंप्लीट, बेफिक्र रहें निश्चिंत, और उम्मीद करते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो है कंप्लीट हम कर देंगे। चलिए अब दो के बाद जो है तीन भी, तीन उसी तरह था, अब जो 18 एलिमेंट वाला है तो वो 3 नंबर सवाल था। अब देखिए 4 में बोलता है कि कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसमें दो टाइप का आता है, अस्थिर से समझिएगा। एक मेरे पास कितना दिया है, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए कि मैट्रिक्स को क्या है कंस्ट्रक्ट कीजिए, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनावट बना करनी है। दिया है कितना 2 × 2 ऑर्डर का, देखिए 2 × 2 ऑर्डर का आपको बनाना है मैट्रिक्स, और जिसमें एलिमेंट दे दिया है ए आई जे, ए आई जे बराबर दे दिया क्या आई प्लस जे का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा आई प्लस जे का होल स्क्वायर आप बटे क्या लिखा है 2 लिखा है, और जो एक जैसा पहले समझ लेंगे इसी बेस पे सब बन जाएगा। तो इसमें देखिए क्या दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर, 4 नंबर सवाल में सोल्यूशन में देखिए कितना ऑर्डर है 2 × 2, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं एलिमेंट का नेचर समझते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स देखिए किस तरह लिखे, पहला तो हम उस दिन भी बताए थे A11, A12, फिर देखिए A21 और A22, तो ऑब्वियस है कि इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 2 रो है, और कितना कॉलम है 2 कॉलम है, क्योंकि ऑर्डर आपसे क्या पूछा गया है 2 रो 2 कॉलम, तो यही लिख दिए 2 × 2 ऑर्डर। अब देखिए हमको ए आई जे दिया है सवाल में आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे क्या लिखा है 2, अब हमको चाहिए सबसे पहले तो A11 चाहिए, देखिए आई के जगह 1 है जे के जगह 1 है, तो 1 + 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे 2, ध्यान से देखिएगा आई के जगह 1 है जे के जगह 1 है, तो 1 + 1 कितना होगा 2 का स्क्वायर बटे 2, 1 2 कैंसिल हो गया, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट क्या हो गया 2। अब इसी तरह से A12 चाहिए, आई के जगह 1 है जे के जगह 2 है का होल स्क्वायर बटे 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 बटे 2, फिर देखिए कितना निकालना है A21, तो आई के जगह 2 है और जे के जगह 1 है, इसका होल स्क्वायर बटे 2, 2 + 1 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 बटे 2 हो गया, और लास्ट में देखिए एंड अंतिम मेरा क्या है तो A22 है, ध्यान से देखिएगा आई के जगह 2 + जे के जगह भी 2 लिखेंगे का होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 2 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, दैट इज कॉल्ड कितना हो गया 8 हो गया। तो अब देखिए जितना भी एलिमेंट है सबको आप जो है ऑर्डरली फॉर्म में लिख लीजिए, A11 का मान कितना आया है 2, A12 का मान कितना आ गया तो 9 बटे 2 आ गया, A21 का भी मान कितना आया 9 बटे 2 आया, और इसका मान कितना आ गया 8, क्योंकि A22 है तो 2 + 2 4, 4 का इसका 16 बटे 2, तो ये मेरा ऑर्डर हो गया कितना तो 2 रो 2 कॉलम। और एक चीज ध्यान में रखिएगा 2 रो 2 कॉलम है, जितने भी ऑर्डर देंगे इस सीक्वेंस वे में आप लिखिएगा, क्योंकि 2 मार्क्स का आता है तो डायरेक्ट लिखिएगा तो मार्क्स कटने की संभावना अधिक हो जाती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, समझ में आ ही गई होगी। एक हम आपको जो है मॉडुलस बेस बता देते हैं, चलिए आगे जो सवाल है एक है मॉड वाला, जिसमें कि एक मॉड में तो हमको नहीं लगता कि ऑर्डर में कोई दिक्कत होगा, आप एलिमेंट समझ लीजिए कि किस तरह से एलिमेंट को लिखा जाता है, इसके बाद ऑर्डर को समझना जो है बहुत ही इजी है, ऑर्डर समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग जो लिखते हैं फिर बोलता है क्या चीज की कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक मिनट देखिए जितना आप बता रहे हैं उसको ध्यान से आप जो है एक दो बार रिविजन कर लीजिए, और आपको उम्मीद करते हैं कि आराम से समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 2 × कितना ऑर्डर का है तो 2 × 3 ऑर्डर का, या कंस्ट्रक्ट में जो करते हैं क्या चीज करते हैं 2 × 2। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे अब जो करते हैं
आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए तो आपके लिए हम लोग चलते हैं, क्या कंस्ट्रक्ट अब कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक हम लोग मैट्रिक्स दे देते हैं, थोड़ा सा मॉडल ला दे देते हैं जो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपका एक पांच नंबर सवाल दिया है कि 3x4 ऑर्डर का बनाना है। पांच में दिया कितना, 3x4 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनानी है, जिसमें मेरा दिया है कितना, ए आई जे इज इक्वल टू, ए आई जे इज इक्वल टू दिया है कितना, तो हाफ मॉड में है -3i + j। ध्यान से देखिएगा, 3i - j, 3x कितना ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का, समझिए सिर से। मॉड का मतलब होता है कि हर एक निगेटिव वैल्यू का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। पहले तो 3x4 है, तो 3x4 रखने के लिए हम लोग पहले एलिमेंट को अरेंज कर लेते हैं। 3x4 एक हम समझा देते हैं, उसी बेस पे बन जाएगा। a11 a12 a13 a14, 1 2 3 4, 4 रो हो गया, 3 कॉलम चाहिए, a21 a22 a23, और इसके बाद कितना है, a24, ये, और लास्ट में 3 रो है, तो a31 a32 a33 a34। देखिए 1 2 3, 3 रो हो गया और 4 कॉलम हो गया। फर्स्ट में हमको चाहिए क्या चाहिए, a11, तो लिखेंगे क्या, हाफ, देखिए मॉड के अकॉर्डिंग -3 × 1, और j के जगह कितना है, 2, तो रिजल्ट मेरा कितना हो गया, हाफ। देखिए -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, तो -2 का मॉड डालेंगे तो क्या होगा, 2 2/1, दैट इज कॉल कितना हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली a12 आप हाफ लिख सकते हैं, -3 × 2 + 1, फिर मॉड डालिए तो कितना हो जाएगा, हाफ, 3 × 2 = 6, -6 + 1 कितना हो जाएगा, 5, -6 + 1 तो हो गया -5, तो मॉड के बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 5/2। इसी तरह हम लोग सिमिलरली केसेस में a13 निकाल देंगे, 1/2, और सॉरी यहाँ पर पहले 1 होना चाहिए, बाई मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर a12 है ना, 2 होना चाहिए। देखिए -3 × 1 + 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 + 2, तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, हाँ बाई मिस्टेक हो गया। देखिए फिर से a11, तो 3 × i जगह क्या लिखेंगे, 1 + 1, फिर देखिए सेकंड केसेस में a12 है, तो 3 की जगह क्या लिखेंगे, i × 1 + 2 कर दिए, ठीक है। अब a13 निकालना, तो क्या लिखेंगे, -3 × 1 और प्लस क्या लिखेंगे, 3, दैट मीन्स कि 1/2, -3 और प्लस 3 हो गया कितना, 0 0/0। इस तरह से सिमिलरली आप जो है a21 भी निकाल सकते हैं, a22 भी निकाल सकते हैं, a23 निकाल सकते हैं, फिर a31 करके जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान में रहे कि जहां पे मॉडुलस होगा उसमें हर हमेशा क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव होता है। a11 देखिए फिर से समझा देते हैं, हाफ -3, i के जगह 1 है, j के जगह 1 है, हाफ कर दिए। फिर देखिए सेकेंड केसेस में a12 निकाल दिए, फिर क्या निकाले, a13 निकाल दिए, 3 × ये i है, ये j है, -3, तो इस केसेस में हम लोग जो है आराम से बना सकते हैं। तो मेरे विचार से इसको समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप सिक्वेंस में बना लीजिएगा, अब कंस्ट्रक्ट जिस भी ढंग का आएगा आप बना लीजिएगा, क्योंकि टोटल नहीं करवा रहे हैं, लगभग जो जो इम्पोर्टेंट है एक बेस का है उसको हम छोड़ रहे हैं a1। अब आता है, चलिए आगे हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको लेनी है तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आता है फाइंड द वैल्यू निकालने के लिए। देखिए वैल्यू हम लोग किस तरह निकालते हैं उसको समझिएगा, बोल रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, ध्यान से देखिएगा सब लोग, बोल रहा है क्या चीज, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ हमको किसका निकालना है, तो x y z, देखो फाइंड सब टाइप का बता देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z है, x y z का मान निकालना है एक नंबर में, इट मीन्स की 6 नंबर सवाल जो है, देखिए लिखा कितना है, बोल रहा है क्या, 4x और 3 5 इज इक्वल टू दिया है कितना, तो y1 z 5, ये दिया है y1 z और
फाइव। चलिए, ऐसे प्रॉब्लम को हम पिछले क्लास में करवाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो वैसे है कि कितना रो कितना कॉलम है, दो रो दो कॉलम है, इधर भी क्या रो क्या कॉलम है, दो रो दो कॉलम है। तो वैसे ये कोई सा मैट्रिक्स है, तो कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स है। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। दो रो और कितना कॉलम है, दो कॉलम है, दोनों को क्या करते हैं हम लोग, कॉम्पेयर कीजिए, कॉम्पेयरिंग इट। देखिए दोनों को जब कॉम्पेयर करेंगे तो इसके पोजिशन पर फोर है, यहाँ पर क्या है, वाई है, तो वाई का मान कितना हो जाएगा फोर, एक्स का मान कितना हो जाएगा तो ऑब्वियस है वन, और जेड का मान कितना हो जाएगा तो थ्री, अपना पोजिशन ऑफ लेटर के अनुसार। वाई का मान फोर, ये फर्स्ट पे है फर्स्ट पे, जेड का मान थ्री और एक्स का मान वन। चलिए इस समझ में आ गई होगी। एक और सवाल इससे रिलेटेड बताते हैं, दो नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, वीवीआई, ये एकदम से चांस है कि आएगा ही। ये दिया है क्या, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई है, और दिया है फाइव प्लस जेड, फाइव प्लस जेड है, और इसमें दिया है कितना, टू और एक्स वाई, टू है और एक्स वाई है, इज इक्वल टू, मेरे पास कंडीशन दिया है सिक्स टू फाइव एट, सिक्स टू फाइव एट। देखिएगा एकदम से इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल में हम लोग क्या करते हैं, देखिए कंपेयर करते हैं, एक्स प्लस वाई किसके बराबर हुआ, सिक्स के बराबर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए सेकेंड केसेस में, फाइव प्लस जेड, फाइव प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा फाइव, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो जेड का मान कितना आ गया जीरो, ये सिंपल केसेस में ये क्लियर है। अब देखिए एंड लास्ट में क्या है कि एक्स वाई बराबर कितना है एट, सेकेंड केसेस में। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे फ्रॉम वन से एक्स का मान निकाल लेते हैं, फ्रॉम वन से क्या होगा बोले तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सिक्स माइनस वाई, या वाई भी निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में, तो एक्स के जगह क्या है सिक्स माइनस वाई इंटू वाई बराबर क्या होगा एट, इसको गुना कीजिए, सिक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एट। जब इसको हम अरेंज करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई बराबर कितना होगा एट, तो हम लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो माइनस को मान ले लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, ने कुछ तो इसके साथ कितना कोफिशियंट है माइनस वन, तो माइनस वन कभी भी जीरो नहीं होगा, देयर फोर वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस टू वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो, फोर टू जाए एट हो गया, तो वाई कॉमन लेंगे तो एक कंडीशन आ जाएगा वाई माइनस फोर, माइनस टू कॉमन लीजिए तो वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो y का मान एक आ जाएगा टू, और y का मान क्या आएगा फोर, दो वैल्यू आ गया y का मान। अब क्या करते हैं, y का मान सिमिलरली पुट करते हैं, एक बार y का मान टू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो x बराबर कितना हो जाएगा सिक्स माइनस टू, दैट इज कॉल फोर हो जाएगा, और एंड एक बार y का मान फोर पुट करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा सिक्स माइनस फोर, इट मीन्स की कितना हो गया दो हो गया। तो एक बार x का मान फोर आया तो y का मान टू, एक बार x का मान दो आया तो y का मान कितना आएगा फोर। तो मेरे विचार से ये आपको समझ में आ गई होगी, कहीं ज्यादा टफ है नहीं, तो आप इसको सीक्वेंस में इसी तरह टोटल जो है छह सात सवाल जो है इसी बेस पे बनेगा, जो एक जैसा है उसको हम छोड़ रहे हैं, आपको सिर्फ टाइप वाइज करवा देते हैं कि क्या क्या टाइप है, और इसके बाद जो है आगे स्क्रीन शॉट लेनी है तो आप ले लीजिए। अब दो ऑब्जेक्टिव है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर ले, थोड़ा सा एक दो दिन में होगा तो दो दो वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, एकदम से स्थिर से आप रिलैक्स रहें, आराम से होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा हम 100% बोल रहे हैं, और कहीं कहीं कॉन्फिडेंसली बोल रहे हैं कि आपका कंप्लीट होना ही है, ठीक। तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिलने के कारण वीडियो मतलब कि एक दो दिन लेट हो जाती है, लेकिन फेस्टिवल आ रहा है तो उसमें जो है आपका दो से तीन वीडियो पर डे अपलोड होगा, दो तो कम से कम हो ही जाने चाहिए, तो नहीं तो पर डे जो है एक वीडियो जरूर अपलोड होते रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि दुर्गा पूजा और काली पूजा के जो बीच में जो गैप होता है उसमें हम लोग जो है मैट्रिक्स डिफ्रेंसिएशन और डिटर्मिनेंट कंटिन्यूटी, उम्मीद करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक कंप्लीट कर दिया जाएगा।
एक एक टॉपिक एक एक दिन का है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अब देखिए इसमें बोलता है क्या, कुछ ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये हर एक बार इसी से पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन सिर्फ बेसिक्स पे रहता है। बोल रहा है क्या कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर है मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एम इज टू एन, ए मेरा मैट्रिक्स का टाइप कितना दिया है, तो ये दिया है मेरे पास मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे, ए आई जे लिख दिया है, इसका कंटिन्यूस क्या है एम क्रॉस एन। बोल रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसके बारे में चर्चा कर रहा है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम तो बताए थे कि फर्स्ट दो हम लोग जो कॉन्सेप्ट दिया है पार्ट वन पार्ट टू, तो उसमें टोटल चीज बेसिक्स दिया है। तो चलिए इसमें बोलता है क्या कि एक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स होने का कंडीशन क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया है, देखिए क्या एम इज लेस देन एन, बी ऑप्शन में दिया है एम इज ग्रेटर देन एन, सी ऑप्शन दिया है कितना, तो एम बराबर एन, और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है क्या चीज, तो नन ऑफ दिस। तो हम लोग तो ऐसा चीज पढ़े भी हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए रो बराबर क्या होगा कॉलम, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर जब कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखिएगा 9 नंबर सवाल थोड़ा सा अच्छा है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, इजी ही है। बोल रहा है क्या चीज कि 3x+7 5 है, y+1 है, और इसके बाद कितना है 2-3x है, 2-3x इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, तो 08 y-2 और दिया है 4। याद रखिएगा कि अगर एक ही मैट्रिक्स में अलग अलग वैल्यू आ जाए x का, तो उस समय जो है सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। एक ही मैट्रिक्स के लिए, एक के लिए केवल एक ही वैल्यू आएगा, जैसे हम x का मान 2 निकाले, 2 और 4, तो y का अलग अलग मान निकला। इस केसेस में देखिए, इस मैट्रिक्स को अगर कंपेयर करते हैं तो ये हो जाता है 3x+7 इज इक्वल टू 0, तो x का मान 7 इधर चल गया, तो -7/3 हो गया। फिर देखिए x के लिए 2-3x=4, तो -3x/4 में से 2 गया 2, तो x का मान कितना हो गया 2/3। एक ही x के लिए अगर अलग अलग वैल्यू एक ही टाइम में आए, तो उस समय जो है हर हमेशा क्या होता है, नोट पॉसिबल, ब्रेन में रखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। एक ही मैट्रिक्स में अगर x का मान अलग अलग है, कहिए कि अभी तो आप बताए x का मान अलग अलग, वो ना हम सॉल्यूशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तब उसका रिजल्ट आया। एक ही मैट्रिक्स में देखें कि x का मान अलग आ गया, एक ही सॉल्यूशन किया, तो उस समय नोट पॉसिबल होगा। और अगला जो सवाल है, लास्ट है 10 नंबर ऑब्जेक्टिव, ये भी बहुत पूछा जाता है। लिखा क्या चीज है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा यदि 3×3 एलिमेंट है। एलिमेंट कितना है, तो 3:3, और एंट्री एलिमेंट है 0 और 1। कुछ इसमें तर्क नहीं है, क्या गो एंट्री एलिमेंट है 2 गो, ये कितना ऑर्डर है 3×3, फॉर्मूला होता है जितना एंट्री एलिमेंट है जितना ऑर्डर का गुना होता है, 2^52 = 512 आंसर। फिर से एक बार देखिएगा, जितना एंट्री एलिमेंट, एंट्री तो 2 गो होगा, रो कॉलम ऑर्डर भी मेरा क्या होगा 2 ही 4 गो, तो नहीं होगा 3×3 नहीं होगा, तो अगर 2×2 ऑर्डर का रहता तो 2^4 = 16 होगा। 0 और 1 दो एलिमेंट है, इसमें कितना ऑर्डर है, तो 3×3 9 हुआ, तो 2^52 दैट इज कॉल क्या हो गया 12 हो गया। बस यहीं तक। अब देखिए आज जो हम लोग जो है 3.1 बेस का जितना भी सवाल रिलेटेड था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, बेफिक्र रहें, रिलैक्स रहें, आपकी वीडियो आते रहेगी। थोड़ा सा लगता होगा कि सर आप सप्ताह में एक वीडियो डालते हैं, नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका वीडियो 100% उम्मीद रखिए कि आपका वीडियो आते रहेगा। 2 से 3 वीडियो, अगर टाइम ऐसा मिलेगा कभी कभी 2-3 वीडियो भी अपलोड कर देंगे, नहीं तो वीकली एक वीडियो आएगा। थोड़ा सा लंबा लंबा वीडियो बनाएंगे, ठीक है, 30-40 मिनट का। 2-3 और चैप्टर है बोले हैं, तो काली पूजा के पहले तक आपका उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट वॉल्यूम मोड़ते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो चीज, इन्हें एक एक सोल्यूशन हम आपको नहीं देंगे, गेदर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन हो जाए, तो जितना बता रहे हैं इतना सफिशियंट है, इतना करते रहिए, और अगला वीडियो नेक्स्ट जो है आपका आ जाएगा 1 से 2 दिन में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें,
दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और फिर से बोल रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन बैंक के अनुसार जैसे मैट्रिक्स खत्म होगा जस्ट क्वेश्चन बैंक कर लेंगे। तो आपको जो है क्वेश्चन बैंक का जो टारगेट है एक भी क्वेश्चन गारंटी है नहीं छूटेगा। अगर छूट गया तो फिर आप बोलिएगा, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। 2022 हम लोग का बहुत अच्छा होगा, बेहतर एग्जाम होगा। इसके लिए पहले से भी ऑल द बेस्ट, और जो जुड़े हैं और दोस्तों को भी जुड़ाइए ताकि उनको भी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।